हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वूल एंड डोर मैट, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सुंदर है। और आप इसको भी बनाएं, सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों की चीज़ बनाने में तो आनंद ही दूसरा आता है। देखिए, मैंने एक डोर मैट बनाए हैं, ये एक मैंने बनाया है छोटा सा अपने बेटे। जब मेरा बेटा छोटा था तब मैंने उसके कमरे में ऐसे कलरफुल बनाया था। इसमें ये कई कलर में बनाया और इसमें कली देकर के ये बनाया गया है। और एक ही मैंने बड़ा साइज का बनाया है, ये देखिए ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज इसका पूरा। और दो कलर में हाफ एंड हाफ बनाया है इस तरह से, और इसमें दोनों कलर की फ्रिल दी है। और इसमें भी वही मैंने कलियाँ दी हुई हैं, प्लेट्स दी हुई हैं। आप उनको बनाए देखिए, मैं आपको ये मेरा 52 लूप्स का है, इसमें मैंने 52 फंदे डाले हैं। इसमें जो है दो फंदों के हिसाब से बुनाई चलती है, तो इसी हिसाब से इसके फंदे रखने पड़ते हैं। इसकी लंबाई हमारी पूरी 20 इंच आई है। ये मेरा 52 लूप्स का है और इसको बुनने के बाद ये पूरा 20 इंच का बना है। और ये वाला मेरा 32 लूप्स का है, तो ये मेरा 14 इंच का बना है। और इसको कैसे बनाना है, ये इस तरह से कलियाँ कैसे आएंगी, इसमें देखिए ये इस तरह से कलियाँ आई हैं, यहाँ आई हैं। तो ये कैसे आएंगी ये मैं आपको बना के बताऊंगी। और ये मैंने इसमें डाले हैं, इसमें मैंने ये 14 फंदे डाले हैं। मैं आपको छोटा सा बना के दिखाऊंगी, आप जब भी आप इसको बनाएं तो ये ध्यान रखें कि दो दो फंदे, मतलब ये एक और दो 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 फंदे के हिसाब से ये होना चाहिए। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से फंदे रखें, लेकिन डबल फंदे होने चाहिए सब। मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। पहली सिलाई हमें पूरी सीधी बन जानी है, पहली सिलाई हम पूरी सीधी बनाएंगे। ये पूरा डोर मैट जो है सीधी सिलाइयों से बनाया जाता है। पूरी सिलाई हमारी सीधी जाती है। मैं छोटा सा इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए और मैं आपको बना के पूरा दिखा भी सकूँ। मैं सिंगल कलर के धागे से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको उसमें डबल ऊन भी कर सकती हैं, रंग बिरंगा अच्छा आएगा। और चाहें सिंगल सिंगल प्लेन कलर में भी इसको बना सकती हैं। देखिए पहला फंदा से पहले पूरा, इसको भी पूरी सिलाई सीधी बन जाएगी। पहले की दो सिलाइयाँ पूरी सीधी बन जाएंगी। हाँ, यहाँ हमने शुरू किया था वहाँ पर पूरा ले जाएंगे। ये हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और दोनों तरफ से मैंने सीधी बनाने जाके हैं। यहाँ से हमने ये शुरू किया था, हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये जो पहले दो फंदे हैं ये हमको ये और ये फंदे नहीं बिनने हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, अंदर कर दिया और ये दूसरा भी हमने उतार लिया। इसको और इसको बिनना नहीं है। अब तीसरे फंदे से हम बिनना शुरू करेंगे।
अब पूरी दूसरी पूरी सिलाई ये जो दो फंदे छोड़े थे हमने यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, यहाँ तक ये दो फंदा ये छोड़ते हुए यहाँ तक भी नहीं, आखिरी में ये चार फंदे हमारे बस चाहिए। पहले हमने दो फंदे छोड़े थे, अब जब दूसरी तरफ से हम आए तो ये दो फंदे हमने और छोड़ दिए और इसको इसी में रहने देंगे, इन चार फंदों को इसी में रहने देंगे और हम इसको पलट लेंगे। इन चार फंदों को हमें नहीं मिलना है और उन इसको पीछे कर देंगे और फिर ये पूरी सिलाई हम बिन जाएंगे। पीछे कर देंगे और ये देखिए हम दूसरी तरफ से बिनना शुरू कर दिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये चार फंदे हमारे एक और ये दो, ये चार फंदे हमारे ये और ये हमने नहीं बिने थे, अब हमको ये चार हो गए, अब इसको भी हमें नहीं बिनना है। ये ध्यान रखें कि जब हम जहाँ से हमने फंदे डाले थे जब इधर बढ़ने लगते हैं सीधी सिलाई बुनते हुए तो यहीं पर से ही हमको फंदे छोड़ने पड़ते हैं बिनने के लिए, ना बिनने के लिए। ये फंदे हम यहाँ पे नहीं बिनेंगे, यहाँ पे बिन देंगे तो ये चौड़ा होता जाएगा हमारी कली का शेप। ये जो हमारा शेप आ रहा है ध्यान से, ये वाला जो शेप आ रहा है ये नहीं आएगा। इस शेप को लाने के लिए हमें ये यहाँ पे ये फंदे छोड़ने पड़ेंगे। तो पहले हमने चार फंदे छोड़े थे, अब दो और कर देंगे तो हमारे छह फंदे हो जाएंगे। तो ये चार पहले दो छोड़े थे फिर दो छोड़े, अब हम फिर दो छोड़ देंगे और इसको यहीं से पलट लेंगे। हम इसको फिर पलटेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिधर से हमने ये फंदों की शुरुआत की थी, जहाँ से हमने बिनने की शुरुआत की थी, वहीं से ही हमको दो दो फंदे छोड़ते जाना है, ये हमको नहीं बिनना है। तो हम फिर वापस इधर से आ रहे हैं और ये इधर है, ये हमने छह फंदे छोड़े थे, अब हम इसको दो और मिला देंगे, हमारे आठ फंदे हो जाएंगे। यहाँ तक हम ये जो दो फंदे हैं ये उस सिलाई में पीछे वाली सिलाई से बिने गए थे, अब इधर वाली सिलाई में इसको हम नहीं बिनेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ये हमारे आठ फंदे होते हैं, अब इनको हमें ये जो दो फंदा है इसको हम नहीं बिनेंगे। जब इधर से सिलाई भी बिनाई लेके आएंगे तो इधर के ये इधर से जो दो फंदे हैं इधर से ये छोड़ते जाएंगे, अब ये हमारे आठ फंदे होते हैं, इसको हम छोड़ दें, सिलाई पलट दें। दोनों तरफ से सीधा बिनना है, फिर हम पलट के आ गए, फिर हमारे ये तरह आ गया। अभी हमारे आठ फंदे हो गए थे, एक दो तीन चार, ये आठ फंदे हो गए थे। अभी हम यहाँ से के दो फंदे यहाँ के भी छोड़ देंगे तो ये हमारे पूरे दस हो जाएंगे। ये हमारे
चार मंजिल होते हैं, ये हमारे 10 मंजिल आते हैं। अब इसको हम फिर पलट देंगे, फिर पलट देंगे। अब हम 10 पहले ले चुके थे, अब हमारे पास ये चार फंदे बचे हैं, इन चार में से अब ये दो भी हम छोड़ देंगे और केवल ये दो भी लेंगे। ये दो हमने बिन दिए, इधर वाले बाकी छोड़ दिए और ऊपर देंगे और इसको जैसे बिन देंगे। अब देखिए ये हमारा कली का भी आ गया है। अब हम पूरी सिलाई फिर पूरी सीधी बन जाएंगे। अब जो फंदे हमने छोड़े थे वो तो सारे फंदे हमको बिन लेने हैं। जितने फंदे हमने छोड़े थे अब हम सब उनको वापस पूरा एक साथ फिर पूरे 14 फंदे बिन लेंगे। ये हमारी एक कली तैयार। अब ये फंदे हमने पूरे एक साथ फिर 14 फंदे बिन लिए थे। अब फिर वही उसी तरह से मैं फिर उसको दोहराऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। फिर ये हमको पहले फंदे दो इस तरह से छोड़ देंगे, ये हमने छोड़ दिए। जब इधर से शुरुआत करते हैं पहले दो फंदों को तो ये सामने की तरफ से छोड़ना पड़ता है, फिर जब हम पलट के आते हैं तब उधर से दो 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 छोड़ के चले जाते हैं। अब हम जब इतने से पलटेंगे तो पहले ही हमने दो छोड़े थे, ये दो फंदे छोड़े थे, एक और ये दो। अब जब हम इधर से आएंगे तब इन दोनों को नहीं बिनेंगे, इसके साथ के जो दो और हैं उसको नहीं बिनेंगे, यहाँ तक केवल बिनेंगे, बाकी 10 फंदों को हमें बिन लेंगे। फिर इधर से आएंगे तो फिर दो फंदे और छोड़ देंगे, इधर हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से देखिए और इसको बनाइए। आप इसमें आप कई रंग मिला सकती हैं, जब एक कली तैयार हो जाए तो वहाँ से ये जो पहला ऊन है उसको तोड़िए मत, उसमें दूसरा ऊन जोड़ के शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपको जो कलर लगाती जाएंगी उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसमें ऊन बढ़ेगा नहीं। कलर को रिपीट करने के लिए पहला धागा तोड़िए मत, उसमें रहने दीजिए। अब उधर हम 8 फंदे छोड़ेंगे, हमारे इधर 8 फंदे हो गए, इधर हमने बनाना छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा भी मार्जिन नहीं आया है, इधर पतला का पतला ही रहेगा क्योंकि यहाँ हम बिनाई करते ही नहीं हैं, केवल एक सिलाई की बिनाई होती है। इसको हम पलट लेंगे, पूरा धागा पीछे कर दो
पिछले पूरे बन के घूमने के लिए। फंदे छोड़े थे, अब हम ये दो और मिला देंगे, इधर 10 फंदे हो जाएंगे। इधर फंदे हमारे उतारते उतारते पूरे फंदे आ जाने चाहिए। जब ये 10 फंदे हो गए, ये हमारे पास 4 फंदे, इसको हम पलटेंगे, इन 4 फंदे को भी लेंगे, फिर पलटेंगे। फिर अब हमारे पास बिनने के लिए केवल 2 फंदे बचेंगे, क्योंकि जो 4 इधर बचे थे उसमें से 2 हम इधर देते हैं, तो हमारे 12 फंदे हो गए। फिर इसको हम पलटेंगे और इसको बिन देंगे, तो हमारे 5 फंदे ख़त्म हैं। अब फिर ये पूरी सिलाई हम जो हमने फंदे उतारे थे, ये देखिए जो हमने फंदे उतारे थे, तो ये कली हमारी बनती चली जा रही है, यहाँ से बिल्कुल पतला है। ये हमारी एक कली हो गई, हमारी दूसरी कली तैयार हो गई। बीच में आपको ये जो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे कहाँ से आपने फंदे उठाए, क्या बिना कुछ पता नहीं चलेगा, और ये कली 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 पता चला जाएगा। यहाँ पे ये पतला ही रहेगा, ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा पतला रहेगा और ये कलियाँ बनती चली जाएंगी, ये गोल आकार ऐसे लेता जाएगा। ये देखिए ये हमारा गोल आकार ले रहा है, ये हमारा सेंटर है जहाँ से हमने बुनाई शुरू की थी। अब ये हम पूरी सिलाई फिर पूरी बिन जाएंगे। जो फंदे हमने उतारे थे उनको फिर से पूरा बिन जाएंगे। ये दो फंदे उतार देने हैं पहले के और बाकी पिन देने। अब पीछे पहले 2 फंदे छोड़े थे, 2 और छोड़ देते हैं, 4 फंदे छोड़ देते हैं। अब पीछे हमने 4 फंदे छोड़े थे, अब 2 फंदे और छोड़ देंगे, उधर हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। इधर से जाते समय हम 2 फंदे छोड़ते हैं। फिर
इसका क्षेत्र पहले इधर इस तरफ से बिनते हुए आते समय जब हम इधर से बिनते हुए जाएंगे, इधर चौड़ाई की तरफ से बिनते हुए जाएंगे तो इधर दो दो फंदे छोड़ कर ले जाएंगे, दो फंदे हमको नहीं बिनने हैं, वो हमारा कली का शेप ले लेंगे। फिर दो छोड़ेंगे, यहाँ पे पहले दो भी लेंगे, ये हमारे दस घंटे हो गए यहाँ पे पलटेंगे। अब ये हमारे पूरे फंदे फिर से हो गए, अब हम इनको पूरा बिन लेंगे। ये जो उतारते हम चले गए थे दो दो फंदे, इसी से हमारा कली का शेप आ रहा है। ये देखिए यहाँ से हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे बस जो एक सिलाई बिनी जाती है बीच में पूरी फंदे उतारने के बाद, जब हम पलट के पूरा उसको कवर करते हैं तभी ये बढ़ता है, और नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ये देखिए हमारा एक कली का ऐसे तैयार होता है। इसी तरह से ये पूरे आप बिनते चले जाएंगे, बिनते चले जाएंगे और आपका ये कली तैयार होती जाएगी। और जब आपका ये पूरा सर्कल, ये देखिए इसको मैंने यहाँ से शुरू किया था, इस पीले वाले पोर्शन से शुरू किया था, और ये देखिए सेंटर में ये इस तरह से आया है। तो इस तरह से कलरफुल आप ऐसे जोड़ते हुए जब आप पूरा सर्कल आप रख के देखते जाएँ, बिनते जाएँ इसको, जब आपका सर्कल पूरा तैयार हो जाए, यहाँ से लेकर के चलिए इसमें आराम से बैठने लगे, वहीं पे उसको एक साथ फिर जोड़ते तो आपका ये पूरा राउंड एकदम फुट मैट डोर मैट निकल आएगा। ये देखिए मैंने दोनों में बनाया है। अब जब ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, ये इस तरह से, ये इस तरह से जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसमें किनारे फिनिशिंग के लिए क्रोशिए से लूप बना करके और उनमें ये फ्रिल इस तरह से लगा सकते हैं। ये कैसा लगा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।